सीन वन शॉट वन टेक वन। वंदे मातरम। दम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है, ये महोत्सव सुराज के सपने को पूरा करने का महोत्सव है, ये महोत्सव वैश्विक शांति का विकास का महोत्सव है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। आजादी के इस महायज्ञ में उत्तराखंड के रणबांकुरे भी पीछे नहीं रहे। यहाँ के असंख्य ज्ञात अज्ञात लोगों ने स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आजादी के बाद कई लोग बड़े कैनवास पर उभरे, लेकिन कई लोग ऐसे रहे जो गुमनाम ही रहे। हालांकि गुमनामी के बावजूद अपने सीमित क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण तथा लोक कल्याण के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। निसंदेह कई स्वतंत्रता सेनानियों को कतिपय कारणों से प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, तो इसी कड़ी में दूरदर्शन आजादी के संघर्ष के उन नायकों के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। आज की इस कड़ी में हमारी दूरदर्शन टीम पहुंची है कुमाऊं अंचल, ग्राम वझूला, जिला बागेश्वर। इस कड़ी में हमारे आज के नायक हैं 101 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी श्री राम सिंह चौहान। एक देशभक्त परिवार में पले बढ़े वे भी अपने परिजनों की भांति देश सेवा में सन 1941 को रॉयल गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो गए। तत्पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए गिरफ्तार हुए व जापान, रंगून और कलकत्ता जेलों में कैदी रहे। उम्र के इस पड़ाव में भी ये अपने पैरों पर चल फिर लेते हैं और अपने दैनिक क्रियाकलापों का स्वयं निर्वहन करते हैं। आप जब भर्ती हुए तो आप सबसे पहले कहां पर भर्ती हुए, कौन सा क्षेत्र में भर्ती हुए और कौन सा रेजिमेंट में हुए? अच्छा, महज कान कमजोर होने के कारण पर्याप्त मात्रा में ये सुन नहीं पाते। हमें
हमने इनके पुत्र गिरीश चौहान से इनके बारे में जानकारी हासिल की। हमारे पिताजी श्री राम सिंह चौहान जी स्वतंत्रता सेनानी हैं। हम पौड़ी गढ़वाल से लगभग 1927 में यहाँ आए। दादाजी को ये हमारा ये प्लॉट है, ये जागीर के तौर पे मिला हुआ है। हमारे पिताजी वो लोग चार भाई थे। सबसे बड़े भाई बड़े ताऊजी हमारे कैप्टन थे, छोटे ताऊजी हमारे सूबेदार रिटायर थे। हमारे पिताजी पहले गढ़वा राइफल में भर्ती हुए थे, उसके बाद फिर जब नेताजी ने ये नारा लगाया आप मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा, तो ये लोग दो बटालियन समेत फिर अपने हथियार समेत INA में शामिल हो गए थे। तो लगभग 1943 में, उसके बाद 46 के करीब करीब ये लोग घर पहुंच गए थे। जब मतलब कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने ये लोगों को घर पहुंचाया, घर लगभग वो टाइम पर ही इन लोगों के पास कोई कपड़े नहीं, कोई राशन नहीं, खाने का भी कोई व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली में ये लोग जब झंडा फहराने के लिए आए थे वहाँ पर कैद कूद हो गए थे ये लोग। तो फिर पिताजी वहाँ से पैदल पैदल जो है लैंसडून आए। लैंसडून में तब ताऊजी हमारे कैप्टन थे, वो उन्होंने फिर इनका घर आने की व्यवस्था की। तब पिताजी एक निक्कर और एक जैसे मैंने हाफ कमीज उसमें थे वहाँ पर, फिर घर पहुँचाने की व्यवस्था की पिताजी को। और हमारे छोटे चाचा जो थे वो कुमाऊं मोटर यूनियन में TT थे। अब तीनों भाई वो लोग एक्सपायर हो गए, केवल पिताजी हैं। पिताजी की उम्र इस समय 101 साल है। अभी थोड़ा बोलने में सुनने में वो असमर्थ हैं, बाकी एकदम बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं पिताजी। चलते फिरते हैं, अभी भी 5-6 किलोमीटर पैदल भी चल पड़ते हैं। पुत्र वधू सीमा चौहान व विमला चौहान ने भी इनके बारे में बताया कि उन्हें गर्व महसूस होता है इनकी सेवा करते हुए। ये मेरे ससुर जी हैं और ये 101 साल के हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने पिताजी की सेवा करते हैं। हम बहुत खुश हैं, हम कह रहे हैं कि हम ऐसे ही देखें इनको। और मैं तीसरे नंबर की बहू हूँ। मेरे दो लड़कियां हैं, एक लड़का है। एक लड़की की शादी कर दी, एक लड़की और एक लड़का और है। हमारा खुद नसीब सौभाग्य है कि हम अपनी ससुर जी की सेवा करते हैं। मेरे ससुर जी को 101 वर्ष पूरा हो चुका है। अभी भी मेरे ससुर जी दुकान उकान चलते फिरते हैं, एक कानों की कमी है बस। शाम को 9 बजे तक किताब रामायण पूरा पढ़ते हैं लाइट के द्वारा, बिना चश्मे के। श्री राम सिंह चौहान के पौत्र नितिन व नंदन सिंह से भी हमने बातचीत की। ये मेरे दादाजी हैं, श्री राम सिंह चौहान हैं। मैं भी इनके तरफ बनना चाहता हूँ, देश का सेवा करना चाहता हूँ। ये मेरे दादाजी हैं, फ्रीडम फाइटर श्री राम सिंह चौहान। इनकी उम्र 101 साल हो गई है और मुझे इन पर गर्व है कि ये देश की सेवा कर पाए, और मैं भी इनकी तरह बनना चाहता हूँ। और इनकी सुबह से दिनचर्या, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और मॉर्निंग भजन सुनते हैं, और फिर उठ के क्या आते हैं बाथरूम अपनी वो पूरी करते हैं। उसके बाद फिर क्या आते हैं, आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं। आज तक चश्मा नहीं लगाए इन्होंने, ये बात इनकी वो है। और मैं भी इनकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ अपने उसमें। स्वतंत्रता सेनानी श्री राम सिंह चौहान के भतीजे भगवान सिंह चौहान ने इनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और ये मेरे चाचा जी हैं जिनकी उम्र 101 साल है। हमारे चाचा जी के चार भाई थे। सबसे बड़े भाई हम ऑर्डनरी कैप्टन से गढ़वाल राइफल से रिटायर्ड हुए हैं। फिर दूसरे नंबर पर मेरे पिताजी से इंद्र सिंह चौहान इंटेलिजेंस कोर में थे, वो सूबेदार से रिटायर हुए थे। और हमारे चाचा जी गढ़वाल राइफल से फिर आज़ाद हिंद फौज में चले गए थे। तो जब क्रांति चली थी देश में तो इन्होंने फौज छोड़ दिया और बाबू सुभाष चंद्र बोस की उसमें ज्वाइन कर लिया था इन्होंने। और उसके बाद फिर काफ़ी कठिनाइयों का सामना झेला उस वक्त इन लोगों ने, कभी जापान, कभी रंगून की जेल में, कभी कलकत्ता के जेल में। और जब बहुत ज़्यादा इनको परेशानियाँ हुई तो ये फिर वहाँ से ये गढ़वाल राइफल में आ गई। वहाँ हमारे ताऊ जी उस समय सेंटर सूबेदार मेजर थे, तो उन्होंने इनको वहाँ पर एक दो दिन ठहराया। वहाँ से कपड़े वगैरह दिए इनको और घर आने तक की उन्होंने यहाँ पर इनकी व्यवस्था की थी। तो
अभी भी ये चलने फिरने में काफ़ी चलते भी हैं। कुछ घर में भी अपना ये बागवानी का काम भी करते हैं और नित्य अपने टाइम से उठना और सुबह के टाइम पर अपना शौचालय या जो भी वो करते हैं प्रथम उसको निपटने के बाद फिर अपना यहाँ पर ये थोड़ी ये अपना वो पुस्तक पढ़ते हैं तो डेली का उनका वो रोज़ का रूटीन वर्क है। फिर उसके बाद अपना नाश्ता पानी फिर थोड़ा घूमने चले जाते हैं सड़क में और दिन भर की दिनचर्या यही है। इनके खाना पीना बहुत अच्छा है, सिर्फ सुनने की एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पैरों में घुटने में थोड़ी सी तकलीफ होती है चलने में, बाकी अभी बहुत फिट हैं वो। और आँख इनकी अभी तक किताब अखबार सब पढ़ लेते हैं आराम से और वही शाम के टाइम पर भी अपना आधा घंटा ये रोज़ अपना नियमित जो है पूजा पाठ वगैरह डेली करते रहते हैं और रामायण वगैरह भी अभी पुस्तक रखी हुई है उसको पढ़ते हैं डेली। और इनकी दिनचर्या भी बहुत अच्छी चल रही है, परिवार में सभी इनका सम्मान करते हैं, गांव में भी उनको आप एक ही हमारे बागेश्वर ज़िले में सिर्फ एक ही यही रह गए हैं जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो इनकी वजह से हमको भी प्रेरणा मिलती है, देश सेवा की इन बच्चों को भी मिलती है, गांव वालों को भी। तो हम चाहते हैं कि ये और दीर्घायु तक काफ़ी समय तक रहें ताकि हम लोगों को भी इनसे कुछ प्रेरणा मिले और हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। इनसे प्रेरणा लेते रहते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो पहले उनसे एक बार पूछ लेते हैं और उसके बाद ही हम काम शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1972 को इन्हें ताम्र पत्र से सम्मानित किया गया। दूरदर्शन परिवार की ओर से श्री राम सिंह चौहान की उत्कृष्ट देशभक्ति के लिए कोटि कोटि अभिनंदन व हार्दिक शुभकामनाएं।